after loads of tension built up for the past 2-3 days because of that cyclonic alert over Andaman, now we are good to go to Havelock, and this is our cruise on my backside, that is Green Ocean. Today is like very bright sunny day and perfect weather to go to Havelock. So abhi yahan se ek ek karke boarding chalu hai. So we just checked inside that Green Ocean and abhi dekhna padega seat kidhar hai. हम लोग रॉस आइलैंड और नॉर्थ बे आइलैंड क्रॉस करके ऑलमोस्ट टुवर्ड्स हैवलॉक. अभी 2 घंटे का सफर है. ये है मेरे पूरा पीछे सी का व्यू. हम लोगों का सीट एक्चुअली है नीचे एकदम लोअर डेक पे. तो लोग अभी एयर कंडीशन रूम छोड़ के पूरा ऊपर मिडिल डेक पे आ गए हैं फोटो उठाने के चक्कर में. एट द सेम टाइम यहाँ पे ओवर क्राउडेड फील हो रहा है अभी. Finally going to have luck. मत पूछो वो दिन कैसे कैसे गुजारे यहाँ. बहुत ओवरक्राउडेड हो गया है. फुल गाना पार्टी चालू है. सो जस्ट स्टेप्ड इनसाइड हैवलॉक व्हिच इज आल्सो नोन एज स्वरासदीप. हम लोग यहाँ पे क्रूज ने छोड़ा और इधर से हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स स्वरासदीप. बाहर जाके ऑटो वगैरह मिल सकता है हम लोगों को. सो हैवलॉक व्हिच इज करंटली नोन एज स्वरासदीप इंपॉर्टेंट आइलैंड ऑफ द रिची आर्किपेलागो व्हिच इज लाइक अ क्लस्टर ऑफ स्मॉल आइलैंड्स ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द ग्रेटर अंडमान. इफ यू वांट टू एंजॉय the white sand beach as well as the tropical forest, then Havelock is the best place for you. Let's go and check what are available in Havelock. We just checked in at Havelock Shangri-La's resort. So this is our stay for 2 days and 1 ghanta pehle check in kiya. Vijayanagar jo beach hai ye iska bahut nazdeek hai. Aap bol sakte ho just walking distance 2 minute, utna bhi nahi hai. Ye Shangri-La पास में ग्रीन होटल बोल के एक और है. एडवांटेज ये है कि ये विजयनगर बीच के बहुत नज़दीक है तो हम लोग ये प्राइवेट बीच को एक्सेस कर सकते हैं. हियर कम्स द फर्स्ट व्यू ऑफ द विजयनगर बीच एंड पानी का कलर देखो भाई, स्काई ब्लू एकदम क्लियर दिख रहा है पूरा. वहाँ से हम लोग होटल का रिसॉर्ट है, वहाँ से हम लोग वॉक करते हुए सीधा इधर आए एंड यहाँ पे 2-3 शॉट हम लोग अभी लेने वाले हैं. चाहे तो हम यहाँ पे नहा भी सकते हैं बट नहाने का कोई प्लान नहीं है. अभी देखा 2-3 टूरिस्ट वगैरह लोग यहाँ पे नहा रहे थे. दिस इज़ लाइक ए क्वाइट क्वाइट पीसफुल बीच. तो विजयनगर बीच पे अभी हम दो लोग बेसिकली चील कर रहे हैं. ठीक है, अभी हम दोनों को छोड़ के मेरे को अभी एक ही लोग दिख रहा है बहुत दूर पे. ठीक है, मतलब ये एकदम प्राइवेट बीच है जैसे कि मैंने बोला. बट यहाँ पे कोई स्पोर्टिंग एक्टिविटी वगैरह कुछ नहीं होता है. स्पोर्टिंग एक्टिविटी के लिए आपको जाना पड़ेगा टुवर्ड्स एलिफेंट बीच. ये जो सेटअप होटल वालों ने यहाँ पे करके दिया है ना, दिस इज़ फॉर कैंडल लाइट डिनर. तो आप
ये चूज़ कर सकते हो फॉर हैविंग डिनर एट नाइट। तो इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसा ऑब्वियसली आपको देना पड़ेगा, बट ये जो एम्बियंस है भाई, नेक्स्ट लेवल एम्बियंस है। सो वी आर करेंटली मूविंग टुवर्ड्स राधानगर बीच, विच इज़ नोन एज द सनसेट बीच। यहाँ से 10 किलोमीटर पड़ेगा। टू इंपॉर्टेंट टिप्स इफ यू आर कमिंग टू हैवलॉक, दैट जस्ट रेंट ए स्कूटी फॉर द एंटायर डे, विच कॉस्ट यू अराउंड ओनली 500 रुपीज़। तेल आप ही को भराना है, यहाँ पे हर जगह पे आपको स्कूटी अवेलेबल मिल जाएगा। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट टिप इज यू शुड नो हाउ टू राइड ए स्कूटी, दैट्स द ओनली थिंग। स्कूटी का कंडीशन ठीक है ना? तो लेट्स स्टार्ट दिस जॉय राइड। चलो अर्णव यू गाइड मी, ओके? सो वी आर ऑन द वे टू राधानगर बीच, शुभदीप इज राइडिंग द स्कूटी। एंड अभी हम लोग वो गोवा वाला फीलिंग लेंगे, बहुत छोटा आइलैंड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। स्कूटी चलाने का मजा ही कुछ अलग है भाई, बहुत दिनों बाद ऐसी जगह पे स्कूटी चलाने का मौका मिल रहा है। अरे भाई मस्त व्यू है भाई, मस्त व्यू है। ये होता है रास्ता चलाने के लिए। तो मुझे लग रहा है कोई बाजार में हम लोग एंट्री कर रहे हैं। अच्छा इधर लिखा है राधानगर बीच 8.70 किलोमीटर फ्रॉम दिस साइड, तो हम लोग को लेफ्ट लेना है। ओके लेट्स गो लेट्स गो। थोड़ा बहुत स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, अभी खाली रास्ता है। गोवा में भी सिमिलर है, अगर तुम कैंडोलिम वो साइड चले जाओगे ना, उधर भी आपको तुमको ऐसा वाइब्स मिलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है सनसेट दिस साइड होगा, तो बीच का जो एंट्री पॉइंट होगा वो राइट साइड में ही होगा। बहुत देर से देख रहा हूँ ये सामने वाला तीन जो बंदा है ये कंटिन्यूअस रील बना रहा है, ठीक है इसको ओवरटेक करना पड़ेगा। नहीं राधानगर राइट साइड किधर लिखा है? अच्छा ठीक है चल भाई। राधानगर बीच 4.70। अरे बहुत तेज चलाया फिर भी इतना दूर तक नहीं पहुंचे हम लोग। जस्ट रीच्ड एट द पेट्रोल पंप, अभी यहाँ पे हम लोगों को तेल भराना है फॉर द नेक्स्ट 2 डेज। वी आर गुड टू गो टुवर्ड्स राधानगर, राइट लेना है। 130 रुपये का पेट्रोल भरवा है फॉर द नेक्स्ट 2 डेज। तो अभी फिर से एक छोटा सा हॉल्ट लिया था घने जंगलों के बीच पे, जो रास्ता है इससे हम लोग जा रहे हैं। आगे पीछे गाड़ी तो बहुत आ रहा है तो उसका कोई टेंशन नहीं है कि हम लोग अकेले जा रहे हैं। शाम होने से पहले पहले हम लोग को निकलना ज़रूरी है, क्योंकि रास्ते में मेरे को एक भी लाइट नहीं दिखा, फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रीट लाइट कुछ भी नहीं है। सो रीच एट राधानगर बीच, अभी थोड़ा वॉक करके आगे जाना पड़ेगा, इधर था पार्किंग। सो हियर कम्स द फर्स्ट लुक ऑफ द राधानगर बीच। देख लो भीड़ की, देखो कितना है, और इधर से सनसेट हो रहा है अभी। एंड दिस इज लाइक अ वाइट सैंड बीच, आप देख सकते हो सैंड का कलर पूरा एकदम वाइट है। यहाँ पे कोई स्पोर्टिंग एक्टिविटी नहीं हो रहा है, बस लोग यहाँ पे नहा रहे हैं और ये पूरा व्यू का मजा ले रहा है। और पानी का कलर भी ऑलमोस्ट सिमिलर है लाइक विजयनगर। हाय फॉर द डे एट राधानगर बीच। प्लान है कि टुमारो ऑल्सो वी कैन कम हियर एंड टू ट्राई टू टेक शॉर्ट्स ऑफ दैट ब्यूटिफुल डेंस फॉरेस्ट इन साइड। आज तो पूरा ये सनसेट का फोटो उठाने के चक्कर में टाइम चला गया। एंड द गार्ड्स डिप्लॉयड हियर दे आर सेइंग कि आफ्टर 5 PM यू कांट बर्थ हियर, एट द सेम टाइम आफ्टर 6 PM यू नीड टू लीव। एंड ऑल्सो इट इज एडवाइजेबल, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो मेरी तरह आप स्कूटी हायर करके आ सकते हो, एट द सेम टाइम कोई प्री बुक कैब लेके आओ। मेन हैवलॉक सिटी है, वहाँ से ऑलमोस्ट 10-11 किलोमीटर बाहर है, तो वो दिमाग पे रखो बिफोर कमिंग टू दिस राधानगर वाइट सैंड बीच। सो इफ यस्टरडे सनसेट वाज अ ट्रेलर, देन पिक्चर अभी बाकी है, बिकॉज वी आर हियर एट कालापत्थर बीच टू एक्सपीरियंस द अमेजिंग सनराइज। हम लोगों का भी काम चालू हो गया, दोनों GoPro वी हैव सेट for the amazing time lapse shot. If you are coming to Havelock, then this Kalapathar beach should be among your topmost priority, like if you are a sunrise lover. Ha subah subah thoda uthna bahut mushkil hai, kyunki hum log ka jo resort hai wahan se iska distance 4.5 km, 5 to 5:30 baje ke beech mein sunrise hone ka scheduled hai, to dekhte hai kaise hote hai aur aap logo ko main dikhata hu ki kaise aaya hum log ka ye time lapse ka shot. Check how beautiful the sky looks like. It's amazing. Colors, देखो colors. Beautiful. So
So after spending a lot of time here at Kalapathar Beach, we actually got a rocky formation here where we can shoot some more photos and videos and B-rolls as well. That's it from Kalapathar Beach. Right now we are heading towards hotel. वहाँ पे change करके we will be heading towards Elephant Beach for the water sports activities. बहुत थक गए. सुबह से 3 घंटे यहाँ पे थे. बहुत सारा photos उठाए. वो आप लोग मेरे channel पर जरूर check करना और बताना in the comment box how it is. मिलते हैं भैया जी से. आप ये क्या रहने वाले हो? जी सर. ये भी हमारा दुकान है. Shells का दुकान. देखिए काफी सारा आइटम मिल जाएगा आपको. एकदम समुन्द्र के बगल में ही है. अच्छा. नया नया सामान आते हैं. अच्छा. सब अलग अलग. So reached at Elephant Beach, जहाँ से हम लोगों का एक्चुअल ट्रेक चालू है. ट्रेक मतलब यही 30 मिनट्स का वॉक है. इधर से गाड़ी सब चारों तरफ पार्क करके हम लोग इसी रास्ते से आगे की तरफ चले गए. इफ यू आर कमिंग हियर एंड टेकिंग गाइड देन द चार्जेस 500 रुपीज. हम लोगों को आकाश भाई एज अ गाइड अलॉट हुआ है. और ये चारों तरफ जितना भी ट्रीज आप लोग देख रहे हो, दिस ऑल आर लाइक बिटल नट ट्रीज. तो चलते हैं पेस बना के. तो जितना आगे हम लोग जा रहे हैं, फॉरेस्ट इज गेटिंग डेंस्ड. लास्ट 1 बजे एंट्री होता है फॉर दिस ट्रेक. इसका नाम है गर्जन. ये फूल का नहीं, नहीं ये पेड़ का नाम. पेड़ का. अच्छा. ये जो पेड़ है इसका नाम है गर्जन. अच्छा. ये रेड वुड है. हाँ. स्पेशली ये फर्नीचर के लिए यूज होता है. हाँ. और ये बहुत एक्सपेंसिव होता है. अच्छा. हाँ, इसको काटना इलीगल है. ये रेड वुड है. ये एक ही एलिफेंट है सर, तो कभी कभी देख जाता है. अच्छा, एलिफेंट एक ही है. हाँ. उसका पैर का निशान भी है. हाँ. जंगल में एक ही एलिफेंट है. हाँ. तो कभी कभी दिखाई देते हैं. एलिफेंट का नाम है विजय कुमारी लक्ष्मी. सबसे पहले यहाँ पे बहुत सारे एलिफेंट्स थे. अच्छा. जैसे कि यहाँ पे बेयरफुट एक रिसोर्ट है, वहाँ पे एक राजेंद्र के एलिफेंट थे. हाँ. तो वहाँ से पहले मतलब जो टूरिस्ट फॉरेनर्स वो एलिफेंट को लेके फिर एलिफेंट बीच पे आते हैं. उसके बाद एलिफेंट का ऊपर बैठ के पानी में सफारी करते थे. और 2-3 डाइवर्शन है. बट वहाँ पे ना एक प्रॉब्लम है कि ना यहाँ पे कोई साइन बोर्ड नहीं है. कोई आप अकेला आ रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है. एकदम डरो मत. यहाँ पे हाथी, एक हाथी के अलावा और कोई यहाँ पे एनिमल्स नहीं है. तो उसके लिए आपको डरने की एकदम जरूरत नहीं है. बिंदास आओ. यू कैन सी द नेम, इट इज टडॉक. फर्नीचर बनते फर्नीचर. तो ये भी तो काटना इलीगल. सेम ये भी है. Finally, we got some amount of sunlight while walking through the woods. It's quite fascinating to see the combination between light and shadow sometimes. So we are very close to that mangrove trees. थोड़ा सामने ही आपको दिखेगा mangrove का घने जंगल. So after tsunami, like lot of mangrove trees got destroyed. राइट साइड में आप पेड़ डिस्ट्रॉय दिख रहे हैं. 2004 में जब सुनामी हुआ था. हाँ. तो ये सारे मैंग्रोव थोड़ा डिस्ट्रॉय हो गया था. अच्छा. अभी जो मैंग्रोव नए हो रहे हैं तो आगे आपको दिखाते हैं. आगे चलिए. अच्छा. वी नीड टू क्रॉस दिस पाथ. उसी के लिए हम लोगों ने जूता हाथ में ले लिया है. अभी इतना दूर तक चलने के बाद हम लोगों को एलिफेंट बीच का दर्शन मिलेगा.
तो अभी एक और शॉर्टकट मार के हम लोगों को इधर से जाना पड़ेगा टुवर्ड्स बीच। तो ये जो पूरा ट्रैक आप लोगों ने देखा वो पूरा क्रॉस करने के बाद हम लोग अभी ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं टुवर्ड्स एलिफेंट बीच। अभी भी है ऐसा, इसका एक अलग ही लेवल का फील था। So reach the iconic Elephanta beach and see the water color here. It's absolute gorgeous. मेरे को यहाँ पे थोड़ा हल्का शेड, वहाँ पे थोड़ा डीप शेड और दूर और भी डीप शेड दिख रहा है। और यहाँ पे जितना तरह का वाटर स्पोर्ट्स होता है सब यहीं पे होता है। And this is the counter area जहाँ पे आप sea walk, parasailing, जितना भी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी है यहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हो और टिकट ले सकते हो। भैया सी वॉक का प्राइस क्या है? 3500। राइड जो है बनाना राइड ये 600 फिक्स प्राइस। इधर लॉकर फैसिलिटी भी है तो हम लोग अभी ये सामान वहाँ पे रख के अंदर पानी में जाएगा। बट मेरे को थोड़ा चश्मा खोलना है, वो थोड़ा दिक्कत हो सकता है मेरे को। डर लग रहा है क्या? डर का के जीत है। लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था जब मैं पैराग्लाइडिंग किया था बिलबिलिंग में, आज भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। मेरे को एक्चुअली ये ओवरक्राउडेड प्लेस लगा, ठीक है, इतना ही जगह पे है, लाइक यू कैन डू द एंटायर एक्टिविटी, आगे जाने नहीं देगा, आप नहा नहीं सकते आगे जाके, जो करना है इधर ही करना है। इधर स्नॉर्केलिंग चालू है, ठीक है, बैठो, ये ऑन है, ऑलरेडी ऑन, मैं भी चलूँ ना।
डाउन द टाउन। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे पता नहीं था। Done with both the sporting activity. Now we'll take some photos before leaving. जैसे अभी मन तो कर रहा है जितना भी स्पोर्टिंग एक्टिविटी है सब कुछ कंप्लीट करूं। लाइक आई यू कम एट अराउंड मॉर्निंग 7-8, तो सभी स्पोर्ट्स आप कवर कर सकते हो, क्योंकि सी वॉक में बहुत टाइम ले लिया उसको इंस्ट्रक्शन देने में। एक एक करके लोग नीचे जा रहे हैं फॉर 20 मिनट्स, तो उसमें टाइम लगा। It's like low tide time, and as you can see, the waters are not here at all. 8:09 start होते हैं। और जब पूरा high tide हो जाए तब एक मतलब 12:30 एक बज जाता है जब पूरा high tide रहता है। अच्छा, I can show you my shadow। तो सुंदर लग रहा है ना? बहुत लंबा लग रहा हूँ। Both myself and Arnav completed the entire hike towards Elephant Beach, and a big thanks to our guide Akash and Anil भैया। Hi. I am Akash. I am a trekking guide of Elephanta Beach. There is a time limit. Starting time is 8:00. Last entry time is 1:00. Then beach time is 3:00. जब हैवलॉक में आते हैं आप मुझे कॉल करिए। पक्का। फिर आपको अच्छा से एकदम एक्टिविटीज, लॉट ऑफ फन और फिर एक्टिविटीज कराते हैं लाइक पैरासेलिंग, स्कूबा डाइविंग, स्नॉकलिंग, सी वॉक, राइड्स, जेट स्की, बनाना सोफा, ऑल द राइड्स एंड कायकिंग ऑल्सो। बट कायकिंग अभी क्लोज है, बट आप जब आएंगे तब आई थिंक ऑन हो सकता है। Also guide. Yeah. So signing off from Elephanta. Let's meet directly at the hotel. Chalo. We were actually having a discussion like how we both survived for such a long hour without having a proper meal. तो अभी बहुत जोर शोर से भूख लगा है। We came at Anju Coco restaurant. पास में ही है from Sangrila. तो वी हैव ऑलरेडी ऑर्डर आवर फूड एंड कांट जस्ट वेट टू हैव दैट। विद दैट से आज के व्लॉग को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। आई होप यू गाइस हैव रियली एंजॉयड दिस एंटायर हैवलॉग सीरीज, एंड जो स्कूबा डाइव का जो वीडियो होगा उसका मैं अलग से एक डेडिकेटेड व्लॉग बनाऊंगा। सो इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन डू सब्सक्राइब माई चैनल द बॉन्ग वेफेयरर, एंड यू कैन डीएम योर क्वेरी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट एज वेल एज आई एम रॉय 92। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून, लव यू ऑल।